सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, बंदर गया खेत में भाग। बंदर क्या होता है? मंकी। और खेत, फील्ड, जिसमें अनाज उगाए जाते हैं। बड़े बड़े खेत होते हैं, फसल उगाई जाती है, किसान वहाँ पर खेती करते हैं। तो बंदर कहाँ भाग गया? खेत में भाग गया। यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बंदर है। बंदर क्या? बहुत ही नॉटी होता है, बहुत शरारती होता है, सबको बहुत परेशान करता है। किसी के हाथ में कोई सामान हो तो वो छीन के भाग जाता, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बंदर सबको। तो हम देखते हैं कि ये कविता में बंदर के बारे में क्या बताया गया है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। बंदर कहाँ गया? खेत में भाग गया। और खेत में तो बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। यहाँ पर बंदर साग तोड़ रहा है। खेत में गन्ना भी उगाया जाता है, धान, गेहूं और बहुत सारी तरीके की सब्जियाँ उगाई जाती हैं, मक्का उगाया जाता है। तो बंदर ने क्या किया? चुटर मुटर करके तोड़ा साग। बंदर को देखा है ना कि कैसे फटाफट फटाफट काम करता है, तो बंदर ने खेत में घुस करके साग तोड़ना शुरू कर दिया। और क्या किया? आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। आग जलाया, फटाफट से, जल्दी जल्दी से आग जला लिया और उस पर क्या किया? साग को पकाया। साग कैसे पका? खदर बदर करके साग पकाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। और सापड़ सुपड़ खाया खूब, यानी जब मुंह से खाते हैं ना तो मुंह से आवाज़ आती है, सुड़प सुड़प, सापड़ सुपड़ आवाज़ आती है। बंदर ने ऐसे करके खा लिया। और फिर इसके बाद क्या किया? पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब क्या होती है? घास होती है, जिसको हम दूरवा के नाम से भी जानते हैं। तो दूब घास को उखाड़ करके उसने अपना मुँह साफ कर लिया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। चलनी, जिससे हम कोई भी बारीक चीज़ छानते हैं, जैसे कि आटा छान सकते हैं, बेसन छान सकते हैं चलनी में। और उसको क्या किया बंदर ने? बिछा लिया और ओढ़ करके क्या ओढ़ा? सूप। सूप जिसमें हम अनाज रख करके फटकते हैं, उसका कचरा हम निकालते हैं सूप में फटक करके। तो चलनी बिछा करके और सूप ओढ़ करके बंदर सो गया। भूप मतलब राजा। कैसे सो गया? राजा की तरह सो गया डट करके बंदर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, खा पी करके कैसे बंदर राजा की तरह सो रहा है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, जैसे बंदर ने चलनी बिछाई और सूप ओढ़ी, उसी तरीके से बताना है क्या बिछाया और क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे? कौन? ये इधर जो नाम दिए हुए हैं, ये लोग क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। इधर हमको क्या बताना है? क्या बिछाएंगे और इधर हमको बताना है क्या ओढ़ेंगे। हाथी क्या बिछाएगा क्या ओढ़ेगा? पत्ते बिछाएगा, झाड़ियाँ ओढ़ेगा। चींटी बालू बिछाएगी, तिनके ओढ़ेगी। गिलहरी घास बिछाएगी, पत्ते ओढ़ेगी। शेर मृत जानवर की खाल बिछाएगा और मृत जानवर की खाल ओढ़ेगा, क्योंकि शेर तो शिकार करता है ना जानवरों का, तो वो मृत जानवर की खाल बिछाएगा और ओढ़ेगा। अब ये बिल्ली बोल रही है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूँ क्या बिछाऊँ, बताइए बिल्ली क्या ओढ़ेगी क्या बिछाएगी। बिल्ली तो घर में भी रहती है, घर के बाहर भी घूमती रहती है। बिल्ली को दूध पीना बहुत पसंद है। किसी के घर में दूध रहता है ना, तो बिल्ली चुपचाप घुस करके दूध पी जाती है। तो बिल्ली क्या कर सकती है? बिल्ली अपने लिए कुछ भी अरेंज कर सकती है। किसी के घर से कोई कपड़ा उठा करके उसको बिछा सकती है और कुछ भी लेकर के उड़ सकती है। झटपट झटपट खटपट खटपट, ये जो राइमिंग वर्ड हैं एक जैसे सुनाई दे रहा ना, झटपट झटपट बोलने में एक जैसा लगता है, खटपट खटपट, तो इसी तरीके के वर्ड जो कविता में आया है ना, उसको हमको यहाँ पर
लिखना है। साग पकाया, खदर बदर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुड़ सुड़, मारे खर्राटे खर खर, गिरे पलंग से धम धम। भागो भागो भागो, क्यों भागना है भाई? देखें, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? जैसे बंदर खेत में घुस गया था और साग तोड़ करके भाग गया वहां से, तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो आपको करने के बाद भागना पड़ता है? भागना क्यों पड़ता है? कि कोई देख ना ले, पनिशमेंट ना कर दे, है ना, मार ना पड़ जाए मम्मी से, पापा से, बड़े भाई से, बहन से। तो ऐसा कौन सा काम करके आपको भागना पड़ता है? कुत्ते को ढेला मारने के बाद, ढेला यानी कि पत्थर। छोटे बच्चे क्या करते हैं, मस्ती मस्ती में कुत्ते को ढेला मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, तो उसके बाद भागना पड़ता। नहीं भागेंगे तो क्या होगा? कुत्ता पीछे पड़ जाएगा और काट के ही छोड़ेगा। छोटे भाई से लड़ने के बाद, माँ के डर से, तो छोटे भाई से जब आप लड़ाई करते हो तो मम्मी डांट लगाती है ना जोरदार, इसलिए भागना पड़ता है। घर आए बहुरूपिये को देखने के बाद, पहले के ज़माने में घर घर बहुरूपिये आते थे, हर रोज अपना वेश बदल करके आते थे, और कभी कभी तो बहुत डरावने वेश भी बना लेते थे। तो उनको बहुरूपिये जब घर आकर के दिखते थे ना, तो उनको देखने के बाद भाग जाते थे बच्चे डर के कि कहीं ये पकड़ के ना ले जाए हमें। रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज़ सुनने के बाद, और रात में जब कोई अनजान सी आवाज़ और जिससे हमको डर लगे ऐसी आवाज़ सुनने के बाद भी भागना पड़ता है हमें। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ? बहुत सारे तरीके की यहाँ पे टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं, बताइए इसमें कितने तरह की टोपियाँ हैं और कितने तरह की पगड़ियाँ हैं। तो हम सबसे पहले टोपियाँ गिनेंगे, एक दो और ये तीन। पगड़ियाँ कितनी बची? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, कितनी हुई? तीन तरह की टोपियाँ और नौ तरह की पगड़ियाँ हुई। तो यहाँ पर ये मज़ेदार पाठ हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।